Hello everyone. In this video, we will discuss about the regeneration of the chapter reproduction. Regeneration क्या होता है? हमने इससे पहले वीडियो में fragmentation देखा था, जो कि similar बिल्कुल इसी की तरह ही है, जैसे कि regeneration है. लेकिन फर्क क्या होता है regeneration और fragmentation में? यहाँ पे भी regeneration में क्या होता है? जो organism है, वो अपने part को loss कर देता है. अगर उसका कोई पार्ट लॉस हो जाता है तो क्या होता है, हर एक फ्रेगमेंट फिर एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है. उसी तरीके से हमने फ्रेगमेंटेशन में भी देखा था, जैसे कि ये स्पाइरोगाइरा था. स्पाइरोगाइरा में क्या हो रहा है, ये एक इंडिविजुअल है जो कि अपनी बॉडी को डिवाइड कर रहा है फ्रेगमेंट्स में, और ये फ्रेगमेंट फिर एक इंडिविजुअल बना रहा है. तो ये जनरली जो ये रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन, इट इज जनरली टेक्स प्लेस इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वो इसमें आता है. जैसे एल्गी है, जैसे प्लांट्स हैं, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है. लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स रीजनरेशन प्रोसेस अकर्स. तो ये हम टॉपिक पढ़ क्या रहे हैं, दिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन used by single organism. We have discussed about the fission, we have discussed about the fragmentation, we have discussed about the budding. Now today we will discuss about the regeneration, about spore formation and about propagation by tissue culture. So first is regeneration. Ab is regeneration mein dekhiye kya hota hai, ye kaise define hoga. It is defined as the ability of an organism to regenerate its lost parts of the body which has been removed as by injury. Agar koi organism hai, uski koi part injury se remove ho gaya hai, to wo lost part dobara se regenerate ho sakta hai. इसे हम कहते हैं regeneration. तो ये एक ability होती है organism की कि वो अपने lost part को, जो body का lost part है, उसको दोबारा से regenerate कर ले जो कि injury से remove हुआ है. This is regeneration. जैसे example होते हैं hydra, हमने पीछे पढ़ा है, hydra हमने budding देखा था, budding होता है hydra में. तो in case, इस case में भी ये process हो सकता है. जैसे simple organisms होते हैं, hydra planaria होता है, ये planaria का diagram है. तो it can be cut into any number of pieces and each piece grow into a complete organism. This is known as regeneration. ये planaria है, इसने अपनी body को divide कर लिया है into pieces में, and each piece becomes a new individual. एक पूरा individual बन जाता है एक planaria जब अपने आप को divide करता है fragments में. तो इस process को हम क्या कहते हैं, regeneration कहते हैं. It is carried out by specialized cells. Specialized cells से carry out होता है ये. ये cells proliferate करती हैं और एक साथ बहुत सारी cells बना लेती हैं. और फिर इन्हीं मास, फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स, डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल्स टाइप एंड टिश्यूज. इस फिगर में आप देख ही रहे हैं, ये प्लेनेरिया है. यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स डिवीजन में गई और ये इसने अपनी बॉडी को डिवाइड कर दिया. फिर क्या होगा, ये बहुत सारी सेल्स एक साथ में प्रोलिफरेट करेंगी और एक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बना लेंगी, और डिफरेंट सेल्स चेंजेस में जाएंगी और अलग अलग सेल टाइप के टिश्यू बनाएंगी और सेल्स बनाएंगी इनकी पूरी बॉडी में. और ये सारे जो चेंजेस होते हैं इनकी बॉडी में, ये एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में होते हैं, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं. ये डेवलपमेंट ही तो हो रहा है जब एक प्लेनेरिया डिवाइड कर रहा है अपनी बॉडी को फ्रेगमेंट्स में, फिर हर एक फ्रेगमेंट एक इंडिविजुअल बन रहा है. तो ये डेवलपमेंट ही तो हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म का. दिस इज द डेवलपमेंट. तो रीजेनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की तरह नहीं होता, सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस. क्योंकि सारे ही ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अगर कट कर लेते हैं, उनकी कोई बॉडी इंजरी से कट हो जाती है, तो वो दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती. लेकिन कुछ ऐसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया है, हाइड्रा है, अगर इनकी बॉडी बाय चांस कट हो जाती है इनटू पीसेस, देन इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. दिस इज ऑल अबाउट द रीजेनरेशन. और किसमें होता है, ये प्लेनेरिया में होता है, एज यू कैन सी इन दिस इन द इमेज. नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोर फॉर्मेशन. इट इज ऑल्सो एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ये. स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जनरली ये प्लांट्स में होता है, तो इसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होने लगते हैं. बॉडी पे स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होने लगते हैं. अब
अब स्पोर होते क्या है? ये सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल राइज करते हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत घर में देखा भी होगा। अगर हम ब्रेड को अनफेवरेबल कंडीशन में रख देते हैं तो उसके ऊपर देखा होगा आपने एक फफूंदी टाइप आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड, दैट इज कॉल्ड राइजोपस। तो उस राइजोपस को अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे आपको, बहुत बारीक बारीक व्हाइट कलर के एंड ब्लू कलर के या ग्रीन कलर के। तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ब्रेड के ऊपर डेवलप हो जाते हैं, दैट आर दी हाइफा ऑफ द ब्रेड मोल्ड। तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फिर अगर हम इसको बहुत माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर हम देखते हैं तो इस तरीके का व्यू हमें दिखाई देगा, है ना। तो क्या होगा, इसकी बॉडी पे ये जैसे ये हाइफा है, दिस इज हाइफा, ये हाइफा होते हैं, इसके ब्रांचेस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी के ऊपर स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होने लगते हैं, बल्ब्स, कुछ ब्लॉब्स प्रोड्यूस्ड होने लगते हैं, दीज आर स्पोरेंजिया। इन स्पोर्स के, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर्स होते हैं जो कि जब ये यहां से डिटैच होते हैं तो ये एक न्यू बॉडी फॉर्म करते हैं, एक न्यू राइजोपस फॉर्म करते हैं। तो स्पोर्स जो होते हैं दे आर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो। तो ये एक कवरिंग में प्रोटेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। तो एक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया, उसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। सो दिस इज इन द राइजोपस, आगे जाके स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही, दैट इज टिश्यू कल्चर। ये एक आर्टिफिशियल मेथड होता है एसेक्सुअल मेथड में अगर हम बात करें तो, प्लांट्स में होता है जनरली, टेक्स इन प्लांट्स। तो टिश्यू कल्चर में होता क्या है, एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक है बट इट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। देखिए कोई प्लांट जैसे कि ये प्लांट है, ये ग्रो हो रहा है, तो क्या होगा, ये जो प्लांट जब ग्रो होता है तो ये ऊपर की साइड में ही तो ग्रो होता है, इसके जितने भी टिश्यूज होते हैं ये इसके टिप पे जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो इसको लेंथ में हेल्प करते हैं ग्रो होने के लिए। लेटरल साइज में और अदर टिश्यूज होते हैं प्रेजेंट, वो उसको हेल्प करते हैं। तो क्या करते हैं टिश्यू कल्चर में, जो ग्रोइंग टिप होती है वहां से कुछ पार्ट ले लिया जाता है, निकाल लिया जाता है प्लांट का, फिर उस पार्ट को प्लेस किया जाता है आर्टिफिशियल मीडियम में बाहर, मतलब लैब्स में किया जाता है ये वर्क, एक आर्टिफिशियल मेथड है ये। तो इन सेल्स को आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है जहां पे क्या होता है, ये रैपिडली डिवाइड होती हैं और एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स बना देती हैं और कैलस बना देती हैं। देखिए ये हमने क्या कर लिया, इसका एक ग्रोइंग टिप ले लिया, एक्साइज पीस ऑफ लीफ या आइसोलेटेड सेल्स हमने ऐसे ले लिया और इसको एक हमने ये पैट्री डिश में रख लिया, मतलब आर्टिफिशियल मीडियम में रख लिया। यहाँ पे कुछ ऐसा मीडियम भी है, यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है जिसने ये सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगी और क्या बना लेंगी, कैलस बना लेंगी और सेल्स बना लेंगी। फिर जब यहाँ पे कैलस बन जाएगा तो इस कैलस को दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करेंगे, जहाँ पे इस मीडियम में क्या होगा, जब ये ग्रो किया जाएगा इस मीडियम में आर्टिफिशियली हॉर्मोन्स रखा जाएगा, हॉर्मोन डाले जाएंगे ग्रोथ के लिए, इस प्लांट की ग्रोथ के लिए, इस प्लांट के डिफ्रेंशिएशन के लिए। जब यहाँ पे सारे हॉर्मोन्स को डाला जाएगा तो क्या होगा, तो कैलस ग्रो होगा, प्लांटलेट्स फॉर्म होंगे, फिर प्लांटलेट्स जब यहाँ पे ग्रो हो जाएंगे इन प्लांटलेट्स को अलग सॉइल में प्लेस कर दिया जाएगा ताकि ये मैच्योर हो जाएं और एक तरीके का पूरा प्लांट फॉर्म कर लें। तो हमने ये देखा कि एक ही प्लांट से हम एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं और उसी से ही बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवा रहे हैं। तो ये जो टिश्यू कल्चर होता है इससे बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है एक ही प्लांट से इन डिजीज फ्री कंडीशन। और जो भी प्लांट इससे ग्रो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिजीज फ्री होते हैं, कोई डिजीज नहीं होती। तो ये जो टेक्निक होती है ये कॉमन होती है इन केस ऑफ ऑर्किड्स प्लांट्स में, इन केस ऑफ डहलिया प्लांट्स में। तो इट इज द
टिश्यू कल्चर प्रोसेस, जिसमें एक पार्ट ले लिया जाता है प्लांट का और उसको कल्चर मीडियम में रख के ग्रो करवाया जाता है और एक बहुत सारे न्यू प्लांट्स फॉर्म करवाए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वी हैव